आजा। हाथ तो पकड़ो। भैया मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा पैदा हुए 4 दिन बीत चुके हैं। इस प्रसंग का उत्सव नहीं मना सके, इस बात का बुरा मत मानना। आगे नहीं बढ़ना, टांगे तोड़ दूंगा। कहा था पीहर जा रही हूँ, पूर्णिमा को गई और अमावस्या के बाद लौटी है। यह क्या गोलमाल है? इसमें गोलमाल कहाँ से हो गया? बहन को बच्चा हुआ है, पता है ना? मेरी माँ चूंकि बूढ़ी है इसीलिए उन्होंने मुझे रोक लिया, तो ये गोलमाल हो गया। इसमें छिपी है वो बुराई। बहन थी गर्भवती लेकिन तू जीजा की बाहों में रातें बिता रही थी। मैं इस बारे में सब जान चुका हूँ। सुना, सर पर कितना भारी दोष मढ़ा है पति ने। सौगन ले लो, सौगन ले लो, चाहे अपनी अम्मा की भी। ऐसा कुछ नहीं था, निर्दोष हूँ, सच कह रही हूँ, अम्मा की। अरे बेटा टिप्पू, पत्नी तेरी अग्नि के समान पवित्र है, हाथ पैर टूटेंगे, तू निंदा ना कर। अरे पागल, इतना बड़ा दोष लगाया तूने। टिप्पा मत दोष लगा पत्नी के ऊपर। चुप हो जाए, सब चुप हो जाए। ये तो इसी योग्य है, इसकी ओर से ही ऐसी पहल हुई होगी, ये पता है मुझे। मुझसे बोली पीहर से कल ही लौट आऊंगी, लेकिन लौटी 15 दिनों बाद। 1-2 दिन भी नहीं, 15 दिन बिताए वहाँ आमोद प्रमोद में। कैसे स्वीकार कर सकता हूँ मैं इसे? सोच समझ के बोलो, क्यों इस हरे भरे दाम्पत्य जीवन में कांटे बो रहे हो? चाहो तो राम प्रभु की सभा में चलो, सद्गुण प्रभु इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। ना ही राम और ना ही उसके न्याय का भरोसा है। जो स्वयं दोषी है उससे कैसी अपेक्षा? निंदा करेगा तो मर जाएगा। भस्म तू अभी के अभी यहीं पर हो जाएगा। ऐसे क्यों भस्म हो जाऊंगा? धरती पर महान केवल वही है क्या? साधारण व्यक्ति है जिसकी पत्नी पूरे 1 वर्ष पर पुरुष के यहाँ व्यतीत करके लौटी है। इस पर भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपना लिया उसे। क्षमा योग्य भी नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं। भला ऐसे क्यों मार रहे हो मुझे? तुम सटिया गए हो। सच कहा है मैंने, झूठ नहीं। क्या राम ने उस सीता को नहीं अपनाया जो पर पुरुष के यहाँ 1 वर्ष आई और फिर लौट के उसके पास आ गई? क्या उत्तर है, क्या उत्तर है इस बात का? क्या पति पत्नी मन का जीवन नहीं बिता रहे? बोलिए, बोलिए ना। आज पति पत्नी बनकर रह रहे हैं ना। एक पर पुरुष के यहाँ पूरा वर्ष बिताकर लौटी है उसकी पत्नी और उसे अपना भी लिया उस निर्लज राम ने। किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं अपनाऊंगा अपनी भार्या को। प्रभु वो धोबी वहां पर एक मदरा पान किए हुए पुरुष के समान प्रलाप कर रहा था। गंभीरता पूर्वक आप इस बात को न ले प्रभु। मैंने जो सुना और देखा वही बताया, चूंकि जोर देकर पूछा जो था आपने प्रभु। नहीं, भद्र, ये सब कुछ तुमने स्वयं सुना है तथा देखा है। कोई है? जी प्रभु। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को यहां पर तुरंत बुलाया जाए। जो आज्ञा प्रभु। भद्र, अब तुम भी जा सकते हो। प्रभु, ये राजा की आज्ञा है कि इस विषय पर बोलोगे नहीं। अब जाओ, मैंने कहा जाओ। Thank you.
छोड़ दूंगा। इस सिंहासन से मुक्त करो, इस राज्य से मुक्त करो। सीता मुझे दे दो। सीते, सीते। भैया, सीता माता यहीं पर है, साथ में ही है और सकुशल है। कैसे सकुशल होगी लक्ष्मण, अब नहीं होने वाली। ये सारा दोष मेरे भाग्य का है। सीते, सीते। कोई भयानक भ्रांति है जो आपकी दुविधा का कारण बनी हुई नहीं, है। ये कोई भ्रांति नहीं परंतु नियति का खेल तो है। नहीं भूलने वाला हूँ, सीता से मैं दूर कभी नहीं हो पाऊंगा। सीते, सीते। भैया, भैया। सीते, हे भ्राताओं, दोनों में से एक कोई सिंहासन का भार अपने कंधों पर ले लो। ऐसा हो जाएगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी इस कारागार से। सीता मेरा जीवन है, अलग अलग होकर नहीं जी पाऊंगा। अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा मत बोलिए। कुछ भी समझ नहीं पाए हम तो, कैसी विचित्र बातें बोल रहे हैं। कोई विचित्र बात नहीं, सत्य बोला है। भरत, कल मैं राज्याभिषेक कराऊंगा, ही तुम्हारा सूर्य के जब दर्शन होंगे, सीता के साथ उसके पश्चात वन की ओर प्रस्थान करूंगा। अशुभ विचार के मन में उठ रहे हैं, देखिए इस आवेश को छोड़े और शांत रहें। शांत कैसे रहूं? या तो सीता का परित्याग करना है, नहीं तो सिंहासन मुझे छोड़ना है। भैया, सीता माता का परित्याग कोई गंभीर बात है? हाँ भ्राता, बहुत गंभीर बात है। घोर से भी घोर लांछन हम पर लगा है। हमारा सूर्य वंश घने काले बादलों से घिर गया है, हमारी प्रतिष्ठा कलंकित हो गई और धूल में जा मिली। भाई, भैया, भरत, ये बात कैसे बताऊं? मेरी अयोध्या में बसे पुरुष की जब अपनी ही भार्या चरित्रहीन लगी तो घर से निकाल दिया। कारण पूछे जाने पर वो बोला कि मैं इतना मूर्ख नहीं कि एक भ्रष्ट नारी को अपनाऊं, जैसा कि राम ने अपनी भार्या सीता को अपनाया जो कि पूरा वर्ष रावण के यहां बिता चुकी थी, पर उस मूर्ख राम ने उसे पवित्र मान लिया। ये दोष लगाने वाला कौन है वो व्यक्ति? उसकी चलती सांसें बंद कर दूंगा मैं। कल कोई और कहेगा किस किस की सांसें बंद करोगे लक्ष्मण। भैया सुनो, सच बात है या झूठ, लेकिन प्रजा को तो विश्वास हो चुका होगा, जो भार्या भ्रष्ट है उसको अपनाने की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा उसे अपनाने को। सारे ही खड़े होंगे, सर झुकाए हुए, मूर्ति बने हुए। लक्ष्मण, अग्नि परीक्षा द्वारा सिद्ध हुई थी न पवित्रता? अग्नि परीक्षा यहाँ नहीं हुई, लंका राज्य में हुई, जिसका आभास यहाँ की प्रजा को नहीं। भरत, ये उनकी भावना और उनका निर्णय भी है। राजा तो दास है अपनी प्रजा का, कर्तव्य से बंधा हुआ। प्रजा का विश्वास तथा निर्णय तो सर्वोपरि है, और ना ही इसका कोई दूसरा विकल्प है। तो एक मार्ग चुनना होगा ही मुझे, पत्नी या फिर राज्य का परित्याग तो निश्चित है। यही मार्ग है केवल। तुम सब मुझे राज्य बंधन से मुक्त करो। सीता चाहिए मुझे, सीता ही है मेरे प्राण। सीता के बिना तो राम अधूरा है, मैं जी नहीं सकूंगा। इतनी प्रार्थना है छोटे भाइयों से कि तुम दोनों में से कोई भार अपने कंधे पर ले लो इस साम्राज्य का, और मुझे मुक्ति दे दो। कर दो ना ये उपकार सीता और राम पर। यदि सीता राम बिछड़ गए तो पाप के भागी बनोगे। मुझे मुक्त करके वन में जाने दो भाई। भैया, हम में से कोई इस योग्य नहीं कि धारण कर सके ये मुकुट। नहीं, ये उचित है, ये सामर्थ हम में तो नहीं। यदि जो आपका आदेश हो कि अग्नि में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। सच में तो आपके अनुयायी हैं हम, आगे नहीं हम पीछे चलेंगे। मेरे अनुयायी हो, आगे नहीं मेरे पीछे, ये झूठ है। मेरे अनुयायी नहीं हो तुम, दूत हो मृत्यु के। कहते हो भ्राता, जब उसी भ्राता को लपटों में सुलगता देखोगे तो वो सेवा प्रेम होगा। ठीक है, मेरे अनुयायी, पीछे चलने वाले, आदेश सुन लो मेरा। लक्ष्मण, प्रातः वन लेकर जाओ अपनी भाभी को और वहीं छोड़ दो। इसी जगत माता के जन्म से भूमि पवित्र हुई है, इसी माता के विवाह से ही रघुवंश में प्रसन्नता की ज्योत जली, इसी सीता माता का नाम जपकर पापों से मुक्ति मिलती है मनुष्य को, एक पावन तथा चरित्रवान गुणवान माता आगे के साथ। कुछ नहीं, भरत सुना ना तुमने? भैया, भैया, दया के समुद्र थे आप तो, परंतु आज वो दया कहां लुप्त हो गई? आपका हृदय पाषाण नहीं बन सकता। ये निर्णय नहीं बदलेगा भरत, ये पवित्र धर्म इश्वाकु वंश के वंशज
हमारे पिता महाराज दशरथ ने कष्ट उठाते हुए भी निभाया और प्राण भी त्यागे, किंतु कीर्ति को आंच नहीं आने दी। इसे क्षति पहुंचाने का अधिकार मुझमें नहीं है और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा।